Assalamualaikum and good morning. आप देख रहे हैं नया दिन. मैं हूँ मोहम्मद शुएब और मैं हूँ किरण आफ्ताब. कॉफी पियेंगी आप? नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल कि मैं कॉफी न पीऊँ. कम से कम पीऊँ या बिल्कुल न पीऊँ, कोई बात नहीं. दूसरी ऑप्शन भी थी. दूसरी क्या ऑप्शन? पहले रखी हुई थी, अगर इनकार करेंगे तो पानी ऑफर किया जाएगा. जैसे कि मुझे कोई कहता है कि हमारे पास अगली ऑप्शन है तो मेरे जहन में पता नहीं क्या क्या आने लगता है ना. आइसक्रीम, जूस. नहीं, बस पानी तक रहे, पानी तक रहे. पानी मिल जाना भी इतनी बड़ी नेमत है किरण. कराची में आपको पानी मिल रहा है और क्या चाहिए. बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो वेरी मच. क्योंकि यहाँ पर पानी मिलना मुश्किल और साफ पानी मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल. बहरहाल कुछ सियासी हालात हमने मुश्किल होते देखे और फिर उसके बाद में हमने उन उलझनों को थोड़ा सुलझते हुए भी देखा. आज इसकी एक कोशिश होगी जब शेख रशीद जाएंगे किसी को मनाने के लिए. कुछ खबरें ऐसी भी हैं, लेकिन जो खबर कर रहे हैं आज, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले इसकी ही बात कर लूँ. बड़ी उठा पटक के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ईरान को चले. ये उनका पहला सरकारी और सबसे बढ़कर ये कि शेड्यूल्ड यानी कि तयशुदा दौरा है. अब ये हर लिहाज से अहमियत का हामिल है. ये जो शेड्यूल्ड दौरा है ना, इसके होते होते तक क्या कुछ हो सका है, क्या कुछ हो चुका है, उस सब पर नज़र डाल लेते हैं. पीएम की रवानगी से पहले सानिया और माड़ा हो जाता है, 16 पाकिस्तानियों की जान ले ली जाती है. फिर शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं और वो बताते हैं कि हमला आवरों की जानिब से ईरान के बॉर्डर का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ से वो कम्युनिकेशन में थे. अब उम्मीद है कि हमने ठोस शवाहिद के साथ बात की है तो ईरान एक्शन ले लेगा. पाकिस्तान अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करा चुका है. अब इसमें पाकिस्तान की जानिब से जो अच्छी अच्छी मिसालें रकम हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं. एक अच्छा पहलू ये था कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है ना, उसको वाजे कर दिया कि हम कौन हैं. हम मोदी जुनूनी नहीं. यहाँ इल्ज़ाम की सियासत नहीं होती. वोटों की खातिर सरहदों को आग में नहीं झोंका जाता. दूसरी अहम बात ये कि वजीर आजम ने अपना दौरा मनसूख नहीं किया, वो ईरान गए हैं. और ईरान, जैसे कि आप भी जानते हैं कि यहाँ पर ईरान भी सैलाब की जद में, और वजीर आजम पाकिस्तान मदद की पेशकश भी इससे पहले कर चुके हैं कि अगर हम कुछ किसी काम आ सकें अपने बरादर मुल्क के, अपने दोस्त मुल्क के, तो क्या ही बात है. अब कुछ इसका भी असर था शायद, कुछ बादल छटते से महसूस हुए जब वजीर आजम पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया और जिस तरह से किया गया. ईरान की बात कर लेते हैं, इनके हालात की बात कर लेते हैं. ईरान आलमी पाबंदियों में कब से घिरा है और हिंदुस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सब भी ज़रूर है. पाकिस्तान के साथ रिश्ते और भी मजबूत होंगे, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है. ये पाकिस्तान ईरान के लिए एक दौरा है या उससे बढ़कर कुछ, फैसला हम वक्त पर छोड़ देते हैं. लेकिन जिस बात को छोड़ा नहीं जा सकता वो भला क्या है, मैं बताती हूँ. भारत को ये बैठक अपनी हार सी लगेगी, ऐसा मैं नहीं, सियाने कहते हैं. आप भी तो सियानी हैं, आप अगर कह रहे तो हम मान लेंगे. आप भी ऐसा कह रहे हैं, आप भी सियाने हैं ना. आप लोग सोचेंगे यही वो सियाना है जिसने ये बात की थी. हम सब सियाने हैं, चलो आज ये मान लेते हैं. लेकिन सियानों से याद आया कि सियाने कहते हैं कि नया दिन में सबसे पहले हेडलाइंस शामिल करते हैं किरण की अच्छी बात के बाद. क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत बतौर सजा दी जाती है? फवाद चौधरी से इत्तेलाआत का कलमदान वापस लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत देने पर सवालात उठने लगे. होशियार खबरदार, कराची में निगलेरिया फिर सर उठाने लगा. शदीद गर्मी में तेजी से अफजाइश पाने वाले अमीबा से बचने के लिए स्विमिंग पूल्स और तालाब से दूर रहना होगा. धरती माँ ने हर जानदार को अपनी आगोश में संभाल रखा है. जमीन का हक अदा करने और इसे आलूदगी से पाक रखने का शोर उजागर करने के लिए आज अर्थ डे मनाया जा रहा है. और कभी वडेरे का बेटा तो कभी अंडे वाला बर्गर, गानों से मखसूस तबकात की तर्जुमानी करने वाले गुलूकार और व्लॉगर अली गुलपीर आज होंगे नया दिन के मेहमान. नया दिन में खुश आमदीद. और आज इस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि हमने बहुत से अहम मौजूद रखने हैं आपके सामने, लेकिन वीकेंड कैसा गुजरा, हम श्रीलंका की बात भी यहां पर कर लेते हैं. श्रीलंका जहां पर दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हुए और 207 हलाकतें वहां से रिपोर्ट हुई, तो यहां पर यह बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि दहशतगर्दी जहां पर भी होती है उसका शिकार सब होते हैं. क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि 290 हलाकतें वहाँ से रिपोर्ट हुई हैं, यानी
कल तक या रात तक 207 थी और फिर जो जख्मी थे उनके हवाले से भी ये अपडेट आती रही कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये जरूर सोचना होगा, जिस तरह किरण आज आपने भी जिक्र किया कि ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्दी का जो मामला है इससे हम सब मुतासर होते हैं। ये किसी एक मजहब की बात नहीं है, ये किसी एक शहर की, किसी एक मुल्क की बात नहीं। जब सब मुतासर होते हैं तो हम सबको साथ मिलकर चलना है। जो हमारे साथ माइनॉरिटीज़ रहते हैं उनका बहुत ख्याल रखना है, हर मुल्क में ऐसा होना चाहिए, उनका ख्याल रखा जाए, उनके साथ मिल बैठकर बात की जाए ताकि जो उनके तहफ़ुज़ात हैं वो दूर किए जा सकें, और जब इकट्ठे बैठेंगे तो ही बात बनेगी, तो ही मामलात हल होंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा वाक़या था कि जो लोगों के चेहरे से हंसी छीन के ले गया, चुरा के ले गया, और हर शख्स ने जिसने इस गम को महसूस किया उसकी आँखों में आंसू आए। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने हमको हंसाया भी रुलाया भी, लेकिन यही सोच कर कि हम कुछ सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम उनके साथ हंसेंगे। बहुत सारा गम सहा लेकिन हमको मुस्कुराने पर मजबूर किया। आज याद करते हैं मुईन अख्तर साहब को। हिदायतकारी उन्होंने की, अदाकारी उन्होंने की, गुलूकारी उन्होंने की, बेहतरीन मेज़बान वो रहे, मिमिक्री आर्टिस्ट बेहतरीन कहलाए। लोगों से मिलते थे इस कदर झुककर कि आपको महसूस होगा कि आप किसी कदावर शख्सियत से नहीं मिल रहे। इंतहाई अजीम फनकार, फन की खिदमत की मुईन अख्तर ने। उनको गुजरे ऐसा लगता है कि अभी एक पल की बात है, वो अभी भी शायद हमारे साथ हैं, लेकिन नहीं, उनको गुजरे तो 8 बरस बीत गए। आज भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता जितना अच्छा काम वो कर गए, जितनी दिल को लगती बात वो कर गए। मिजाज से भरपूर, लतीफे सुनाते, लहजों की नकल करके गुदगुदाते, लाजवाब स्टेज कॉमेडियन, बेमिसाल कॉम्पियर और अदाकार, लेजेंड फनकार मुईन अख्तर। 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा होने वाले मुईन अख्तर को रेडियो पाकिस्तान के जरिए शोहरत मिली। मुईन अख्तर को रोजी का किरदार निभाने पर पूरी दुनिया ने जाना। मुईन अख्तर को जहां अहम शख्सियात के अंदाज की नकाली पर मलका हासिल था, वहीं उन्होंने मिजा के एक नए अंदाज से भी रोशनास कराया जो कि उन्हीं का खासा था। इनके यादगार ड्रामों में रोजी, हाफ प्लेट, शो टाइम, स्टूडियो ढाई, 50-50, आंगन टेढ़ा, इंतजार फरमाइए और ई ट्रेन शामिल हैं। बच्चे हों या बड़ी उम्र के अफराद, मुईन अख्तर हर उम्र के लोगों में हर दिल अजीज थे। मुईन अख्तर को इनकी फनकाराना सलाहियतों की वजह से सदारती तमगाए बराए हुसने कारकर्दगी समेत कई अहम कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह अवार्ड से भी नवाजा गया। पाकिस्तान के लिए फखर का बाइस बनने वाला ये फनकार 2011 को आज ही के रोज कराची में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, लेकिन इनकी याद आज भी करोड़ों मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के फनकार मुईन अख्तर की सलाहियतों के आज भी गुण गाते नजर आते हैं। चंद फनकारों से समाने बात की, उन्होंने किस तरीके से मुईन अख्तर की यादें शेयर की, आपके सामने रखेंगे। साथ जैसी यादें हैं वो मैं बताने लगूँ तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए, लेकिन बहुत उसूली आर्टिस्ट थे वो, और स्टेज पर जब वो परफॉर्म करने चढ़ते थे वो भूल जाते थे कि वो कितनी देर के लिए बुक्ड हैं। फिर वो थे और ऑडियंस थी, बीच में कोई छोटी सी भी उन्होंने कभी से कहते हैं ना सुस्ती नहीं की कि बस अब थोड़ा सा कर लूँ और बस बहुत हो गया। मोइन साहब जैसा आदमी सदियों में नहीं पैदा हो सकता, मैं इनका कोई सानी नहीं, इन्होंने मैं कहता हूँ इंसानियत की मिसाल कायम की है, और आज भी हम उनको याद करते हैं, शायद उनकी अच्छाई की वजह से, शायद उनकी नेकी की वजह से, शायद उनके अच्छे बिहेवियर की वजह से। वो इस किस्म के आर्टिस्ट थे और कि हम उनको सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते, मगर मैं पर्सनली उनको जानता था, वो इंसान जितने बड़े आर्टिस्ट थे उससे बहुत बड़े वो इंसान भी थे। हमेशा लोगों की हेल्प करते थे, उनकी ये सबसे बड़ी खसूसियत थी। मुझे अक्सर वो फ़ोन किया करते थे कि इसकी हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है, और मैं हमेशा ये बात नोट करता था कि वो हमेशा जब भी मुझे फ़ोन करते थे वो किसी और की मदद के लिए फ़ोन करते थे, तो उनमें ये बहुत अच्छी बात थी। हम सारी ज़िंदगी उन्हें याद रखेंगे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ समबडी जिनकी लेगेसी आने वाले कई सालों तक उनके काम को उनको याद रखा जाएगा, और उनका प्यार, उनके लिए जो प्यार है हमारे दिलों में वो कभी कम नहीं होगा। आई थिंक ही वॉज एक्सेप्शनल एंड आई रियली डीपली मिस हिम। तो मुईन अख्तर को सिर्फ फनकार बिरादरी नहीं, पूरा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ उर्दू बोली लिखी समझी जाती है वहाँ वहाँ पर पसंद किया गया और पज़ीराई उनकी हुई और उनको याद भी किया जाएगा। आज समा पर भी आप मुख्तलिफ बुलेटिन में हमारे मुईन अख्तर की याद में कोई ना कोई रिपोर्ट ज़रूर देखेंगे। खैर, मुझे इशारा मिल गया जी,
कि आप आगे बढ़िए और जल्दी जल्दी से ना दीगर खबरें भी दीजिए। तो हम बात कर लेते हैं अब जरा कराची की, जहां पुलिस को हरकत में आना पड़ा। आखिर गदागरों का नेटवर्क है, उसको तोड़ना है और लोगों को इस परेशानी से बचाना है, इसीलिए तो पुलिस खासी एक्टिव है। बिल्कुल, साउथ जोन, यहां पर एंटी बैगर्स यूनिट ने काम का आगाज कर दिया है। यूनिट ने क्याम के 15 दिन के दौरान 200 से ज्यादा भिखारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मर्द, खवातीन, बच्चे और ख्वाजा सरा शामिल हैं। 11 अहलकारों और 2 पुलिस मोबाइल्स पर मबनी फोर्स के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 99 गदागरों को पकड़कर शेल्टर होम पहुंचाया गया था। ये सबसे अच्छी बात है कि शेल्टर होम उन्हें पहुंचाया गया ताकि उनको उनकी जो रिहैबिलिटेशन है वो की जा सके। तो इस पर हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी, किस तरीके से साउथ जोन में काम किया जा रहा है उस पर हमें अपडेट करेंगे। जी शाहनवाज, बताइएगा। देखिए, भीख मांगना एक माशर्ती बुराई है और अब सिंध हुकूमत के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और साउथ जोन पुलिस की जानेब से इस बुराई को रोकने के लिए एक अहम इकदाम किया गया है, एक बैगरी यूनिट बनाया गया है। मेरे साथ इस वक्त वो यूनिट भी मौजूद है, उनकी मोबाइल भी मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर वो मोबाइल मौजूद है, जिसके ज़रिए जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर तमाम भिखारियों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उनको शेल्टर होम मुंतकिल किया जाता है। मेरे साथ यूनिट के इंचार्ज दीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। दीन साहब, ये बताइएगा कि किस तरीके से ये यूनिट काम कर रहा है, कितने इसमें एहलकार है, किन किन शिफ्टों में काम किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें 2 शिफ्टें हैं, 10 अहलकार हैं और लेडीज़ भी हैं हमारे साथ है। और इनको पकड़ते हैं सुबह को 8 बजे से 4 बजे तक शिफ्ट है, दूसरी 4 से 12 बजे तक शिफ्ट है, दोनों शिफ्ट में काम करते हैं। इनको पकड़ के थाने के हवाले करते हैं, जिस थाने के हदूद में ये मिलते हैं वहाँ जो है ना थाने के हवाले करते हैं, थाने वाले ईदी के हवाले करते हैं। जैसे कि आपने सुना कि ये लोग जो है चौराहों पे और शाहराहों पे, जो मार्केट्स के बाहर जो है यहाँ पर जो भीख मांगते बच्चे या मर्द हजरात या खवातीन, उनको हिरासत में लेने के बाद उनको थाने इलाकाई थाने में मुंतकिल किया जाता है, वहाँ से उनको शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया जाता है। अब तक जो है मुतअद्दिद अफराद को जो है गिरफ्तार करके शेल्टर होम पहुँचाया जा चुका है। हमारी जो इतलात के मुताबिक जो है साउथ जोन के अंदर भीख मांगने वाले लोगों की जो है खासी कमी देखने में आई है। नवाज, बहुत शुक्रिया जिस तरह आप हमें अपडेट कर रहे थे साउथ जोन से मुतालिक। और सबसे अच्छी बात, जिस तरह पहले हमने आपको बताई भी थी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में मुंतकिल किया जा रहा है, यहाँ सवाल जरूर उठते हैं क्योंकि अक्सर एनजीओज ये सवाल उठाती हैं कि सिर्फ गिरफ्तार कर लेना, सिर्फ पकड़ धकड़ करना, सिर्फ उनको थाने मुंतकिल करना इसका हल नहीं है, बाकायदा तौर पर इसके लिए स्पेस एलोकेट की जानी चाहिए और उनके एजुकेशन का इंतजाम किया जाना चाहिए, यानी जो बच्चे उठाए जाते हैं स्पेसिफिकली उनके हवाले से। तो ना सिर्फ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बल्कि एजुकेशन, ये भी एक अहम मामले को देखना चाहिए, रियासत का काम है और उनको अपना काम पूरा करना चाहिए, सिर्फ पकड़ धकड़ ना करें, उससे आगे भी बढ़े। तो अब मैं बताती हूँ आपको, जिन लोगों ने प्लैनेट ऑफ द एप सीरीज देख रखी है ना, उनके लिए जो खबर अब हम देने जा रहे हैं ना वो बिल्कुल हैरान करने वाली नहीं है। जिन्होंने नहीं देखी ना वो जरा अब हैरान होने की तैयारी करें। सेल्फीज लेते हैं, मुझे और आपको लोगों ने बहुत देखा, लेकिन गोरिल्लास पोज बनाते हैं जब सेल्फी का मौका आता है, और ये है वो सेल्फी जिसमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहा जरा एक पिक्चर तो बनाए। अच्छा लग रहा है ना, बकायदा कहा गया है कैन आई हैव अ सेल्फी। ये अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो के नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ स्टाफ ने जानवरों की देखभाल के दौरान सेल्फीज ली और ये 2 गोरिल्ला बड़े खूबसूरती से सेल्फी का हिस्सा बने हैं, जैसे उनका दिल चाह रहा था कि हमने भी इस सेल्फी में आना है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मॉन्स्टर थे जो अचानक से आ गए हैं उस सेल्फी में, बड़ी प्लान्ड किस्म की सेल्फी थी और इंसानों की तरफ पहुंचती है। हाँ, ढूंढेंगे तो इंसानों की पिक्चर्स भी ऐसी मिल जाएंगी। वो अच्छा बहुत पीछे जो है ना एक शख्स खड़ा, उसने भी वैसा पोज दिया। मैं ये नहीं कह रहा गोरिल्ला ने इंसान जैसा पोज दिया है, वो पीछे वाले भाई ने गोरिल्ला जैसा पोज दिया, गोरिल्ला आगे खड़ा हुआ है। एनीवेज, ये तो हम गोरिल्ला की सेल्फी पर बात करें, वैसे अक्सर हम ये भी जिक्र करते हैं जब हम कहीं बाल कटवाने से कहते हैं गोरिल्ला जैसा हमारा हाल हो गया, प्लीज इन बालों को ठीक कर दो। हम बाल बड़े हो जाते हैं फिर हम इंतजार करते हैं, चलो यार अब ठीक तरह से कटवा लेंगे बाल, जरा शक्ल दुरुस्त कर लेंगे, अपना हुलिया दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन ये जो फुटेज आपको दिखा रहे हैं ये चाइना की फुटेज है और यहाँ पर अगर आपने बाल कटवाने हैं और अगर आपको लग रहा है कि बाल बड़े अच्छे कटेंगे तो जरा ये फुटेज देख लीजिए, क्योंकि फौरन से वो जो शख्स थे वो नाराज हो गए थे, उन्होंने कहा कि भाई ये बाल कैसे काट दिए, मेरा हुलिया तुमने बिगाड़ दिया। और उसका रिएक्शन आया, रिएक्शन ऐसा है कि उस हजाम को उन्होंने गंजा कर दिया बिठाकर। ये गुस्से का अच्छा ये, लेकिन इसमें भी अच्छी बात किरण ये हुई कि फिर उस जो बार्बर था उसने रिपोर्ट किया पुलिस में
और फिर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया जिसने इसको मारा पीटा था और इसको गंजा किया था। यहाँ पे ये मैं ज़रूर पूछूंगा भाईजान, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं थे या आपको इतना ही मसला था तो आप आए क्यों थे इस शॉप पे? आप ना कटवाते बाल यार, उसको अपनी समझ के मुताबिक काटने थे बाल, उसने काट दिए बाल, बस ठीक है हो गया। हाँ, ये एक बुरी सी याद बन गई बाहर हाल। yes. दोनों ही के लिए एक मीठी सी याद, एक मीठी सी फांस। एक खबर है मेरे पास ऐसी, एक हाई स्कूल के उस्ताद ने अपने साबिका तलबा को उनकी शादी के दिन स्कूल के दिनों की याद कुछ ऐसे दिलाई कि उस वक्त उस जमाने में जब्त किया हुआ लव लेटर मोहब्बत नामा उनके नाम कर दिया, और इसे देखकर नए शादीशुदा जोड़े और इंटरनेट सारफीन सभी का दिल भर आया, सबकी आंखों में आंसू आ गए। उस्ताद ने कहा कि वो इस खत को अपने तलबा की ग्रेजुएशन के बाद वापस करना चाहते थे। सोशल मीडिया पर इस वाकये की वीडियो वायरल हुई, इंटरनेट सारफीन ने इसे सराहा भी। चीन के हाई स्कूल्स में तलबा को रोमानवी ताल्लुकात पढ़ाने की इजाज़त नहीं होती, खासी सख्ती रखी जाती है वहाँ पर, और इसी वजह से उस्ताद ने उस वक्त एक खत लिया था, उस पर जो खत लिया था उनको जब्त किया था, बाद में वापस करेंगे ये सोचकर संभाल लिया था। और जरा आगे बढ़ेंगे, नींद तो सूली पर भी आ जाती है। मैं बिलीव करती हूँ इसके ऊपर, बिलीव करना भी चाहिए। लेकिन और ऐसा चाइनीज मजदूरों के साथ जो बिजली के हाई टेंशन पोल पर सो गए, जब ये आपको दिखाएंगे तो फिर यकीन आएगा वाकई ऐसा होता है कि बिजली नींद कहीं पर भी आ जाती है। और वैसे ये थोड़ा डेंजरस भी है, एनीवेज वो तो आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स किए होते हैं इसलिए भी सेफ था, लेकिन स्टिल मैं देख के डरा इस फुटेज को, क्योंकि इतनी मेहनत करना, इतना थक जाना, उसके बाद फिर वाकई नींद कहीं पर भी आ जाती है। और ये हम फुटेज आपको दिखा रहे हैं। लगी ना, अच्छी सी हवा चल रही है, माहौल अच्छा है, कोई पूछने वाला नहीं है सर पर सिवाय इस खंबे के और कुछ नहीं है, सो जाओ। और काफी काफी ज्यादा सो रहे हैं, और एक भाई सिर्फ जाग रहे हैं जो फुटेज बना रहे हैं। इन्होंने तो नहीं सुलाया कहीं पंखा चला के, हो भी सकता है। उन्होंने कहा प्रिटेंड करें आप सो रहे हैं ताकि हम आपकी सेल्फीज ले, आपकी पिक्चर्स ले सकें। वैसे प्रिटेंड आप प्रिटेंड कर लें कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर बन गए, कौन सा कोई काम करना होगा, प्रिटेंड ही करना है ना यार, प्रिटेंड ही करना है। लेकिन हुकूमत से ये भी नहीं होता कि वो प्रिटेंड करने के लिए ठीक वजारत ना ठीक इंसान को दे दे। हम ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया में इस शोबे पे काम हो रहा है, इससे फायदा उठाया जा रहा है, इकोनॉमी को मजबूत बनाया जा रहा है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस दौरे जदीद में रोज ही कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हो जाती है, नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं और बहुत सारे ममालिक इनकी पहचान बनती जा रही है, यही सनत यही शोबा। लेकिन पाकिस्तान क्या कहिए, यहाँ तो लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत को बतौर सजा मुंतखब किया जाता है। फवाद चौधरी साहब को देख लीजिए, इत्तलात का कलमदान लिया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत है वो थमा दी गई। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें तजे का परवेज हुद बॉय साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने समय का वक्त दिया, जानना चाह रहे हैं आपसे इस वजारत से मुतालिक, पर जिस तरह सौंपी गई है फवाद चौधरी साहब को, आपको क्या लगता है वो डिजर्व करते हैं, वो सही से संभाल पाएंगे इसको, बिकॉज ही इज अ लॉयर। देखिए मैं किसी शख्स के बारे में कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन दो ऐसी वजारतें हैं, एक वजारत तालीम और दूसरी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, जो बहुत ज़्यादा अहम है एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ एक्चुअली एक मॉडर्न इकोनॉमी हो, जिसकी मईशत तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी पर मबनी हो। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है कि ये दो वजारतें एक खुड्डा लाइन है, मतलब ये कि जिसको, जैसा कि आपने कहा, अगर किसी को सज़ा देनी हो तो आप उसे इन वजारतों की तरफ कर दें। अब ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि बाकी दुनिया इसी के बलबूते पे चलती है। लेकिन यहाँ सिर्फ वजारतों की बात नहीं है, चलिए फवाद चौधरी आए, उससे पहले और लोग थे, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में अब तक वो दमखम नहीं है, हमारे जो दूसरे साइंसी इदारे हैं वो फाल नहीं हैं, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर कोई 7-8 ऐसे इदारे हैं, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, कॉम्सटेक है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वगैरह वगैरह, पाकिस्तान और कई सारी हैं, मगर इनका आउटपुट कुछ भी नहीं है। अगर आप पूछें कि इनसे निकलता क्या है तो ये कुछ नहीं बता पाएंगे। आप इनके वेबसाइट्स पर जाकर देखें तो मालूम होता है कि फला
इसका डायरेक्टर है, फला जॉइंट सेक्रेटरी है, ये है वो है, लेकिन इन्होंने साइंस के मैदान में किया क्या है उसका हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। तो अब फवाद चौधरी आए हैं, वी विश हिम गुड लक। मसला यह है कि बहुत ज़्यादा इदारे हैं, ये इदारे बेकार हैं और इन्हें बंद करना चाहिए, यानी कि इनमें से जो बिल्कुल कुछ काम नहीं करते उन्हें बंद करना चाहिए, क्योंकि देखें डायरेक्टरों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी गई हैं, उधर बहुत बड़ा अमला है, बहुत शान और शौकत से ये फंक्शंस कराते हैं, मगर साइंस के फंक्शंस नहीं कराते, और जब कराते हैं तो हंसी आती है। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो लोग ही नहीं कि जिनको ये वजारत सौंपी जाए, इसका मतलब ये हुआ कि फिर किसी को भी लाके बिठाया जा रहा है, तो ठीक कर रहे हैं, उनके पास में ऑप्शन ही कोई नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस जो बात आपने कही इसमें बहुत सदाकत है, लेकिन इससे निकलने का भी तो एक रास्ता है ना। चलिए वो सुझाइए हमें। आप इस्लाह तो नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस्लाह करना मुमकिन नहीं, हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कुछ सख्त किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे। एक तो ये कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जहां ऑडिट ही नहीं हुआ है कई सालों से। अब मिसाल के तौर पर कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी है जो इस वजारत के तहत आती है, वहां कोई ऑडिट नहीं हुआ है, लोग बड़े बड़े फॉरेन ट्रिप्स पर गए हैं, उधर एक खुली लूट मची हुई है, मगर किसी को ये हिम्मत नहीं कहने की कि भाई जो रुपया अरबों रुपया खर्च हुआ है उसका ऑडिट तो किया जाए। जब तक वो ऑडिट नहीं होगा, और मैं सिर्फ एक इदारे की बात कर रहा हूँ, और भी इस तरह के बहुत से इदारे, पहला काम तो ये है कि ऑडिट कीजिए, फिर वो इदारे जो बिल्कुल बेकार है उन्हें बंद कीजिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अब जरूरत इस बात की कि पाकिस्तान में कोई साइंस म्यूजियम हर शहर में बनाया जाए, ताकि बच्चों में साइंस का शौक पैदा हो सके, कुछ एक्टिविटी की जाए। अच्छा, अब जहाँ जहाँ साइंस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हम क्यों नहीं करते कि उनको रिकॉर्ड करके तमाम दुनिया और सारे पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल कर दें। ये सब कुछ मुमकिन है, बहुत से इकदाम हैं जो फवाद चौधरी ले सकते हैं, उठा सकते हैं, और जो उन्हें करना चाहिए। सही। और मैं ये भी जानना चाह रहा था आपसे, आपने शऊर की बात की, आपने कहा कि ऐसे एग्जीबिशंस भी होने चाहिए। सर हम देखते हैं, आपको तो आप तो खुद मुंसलिक हैं कायज़म यूनिवर्सिटी से भी, और अगर दीगर यूनिवर्सिटीज़ की बात भी हम करें, हमने फास्ट की बात की, हमने नस्ट की बात की, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अपने फाइनल ईयर में जो कि एग्जीबिशन में भी जाते हैं और जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जाते हैं, मुकाबलों में जाते हैं और प्राइज लेकर आते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर तो बहुत काम हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में, लेकिन उनके साथ शायद ज्यादती हो रही है कि जब एक ऐसा वजीर होगा, जब ऐसे इदारे होंगे जो फाल नहीं है, जो सही से काम नहीं करते, फिर किसको देखना चाहिए? क्या कोई टेक्नोक्रेट होना चाहिए जो कि इस वजारत को देखे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जहां जहां अच्छा काम हुआ है उसे सराहना चाहिए, और फिर ऐसे मौके उन स्टूडेंट्स को देने चाहिए ताकि जो कुछ उन्होंने तैयार किया है उससे इंडस्ट्रियली उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लाया जा सके। क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, उससे कोई अच्छी चीज भी निकल सकती है, लेकिन जब तक वो कमर्शियली अवेलेबल ना हो तो उसका एग्जैक्टली ये हम देखते हैं। सॉरी किरण, आपकी बात कट रही है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं उनकी यही डिमांड होती है कि हमने मेहनत की है, हमने इस पर जी जान लगाया, लेकिन अब ये प्रोडक्ट कमर्शियली अवेलेबल तब होगा जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो वो सपोर्ट नहीं मिलती, वजारत की तरफ से नहीं मिलती। जी ये बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है इसका बराह रास्त ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, ये फिर ज़्यादा नस्ट के साथ है। और फिर असल बात ये कि आपको इंडस्ट्री को कायल करना होगा, किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर को कायल करना होगा कि अगर इस प्रोडक्ट को कमर्शियली अवेलेबल कराया जाए, इस ये मैन्युफैक्चर किया जाए, तो तभी उसका फ़ायदा हो सकेगा। लेकिन देखिए ये तो एक छोटी बात है ना, जो बड़ी बात है वो ये कि जो इस वक्त पैसों का ज़िया हो रहा है उसे फिल फॉर रोकने की ज़रूरत है।
क्योंकि पाकिस्तान के माली हालात इस वक्त बहुत बिगड़े हुए हैं और ये जो बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च हो रहा है, इस पर अब काबू पाने की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ही बहुत सारी बात करने को है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप ना पहले इस सवाल का जवाब दें, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जिनका जो काम नहीं है वो इसके लिए कायल हो गए, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हों या फिर फवाद चौधरी साहब हों, इनको इस के बारे में ना बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये फिर भी मान गए, हलफ भी उठा लेंगे, आके बैठ भी जाएंगे, और फिर उसके बाद में जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं वो ये कहते रहेंगे हम समझा नहीं पा रहे। हाँ ठीक बात है आपकी, हर वजीर के साथ यही रहा है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो मुझे बताइए आज तक किस मिनिस्टर ने हल्फ उठाया है जिसको इस शोबे से वाकफियत हो? मेरे इल्म में तो अब तक कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है। तो किसी एक फर्द ये कहना कि कोई एक फर्द इसका अहल नहीं है, बात आपकी ठीक होगी, लेकिन फिर ये तो हमारे यहाँ एक रिवायत चली आई है, हमने काबिलियत की बिना पर कभी किसी पोस्ट को नहीं भरा है, बस ये एक सियासी मसलहत होती है, जब किसी को कुछ देना होता है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है तो फिर आपको फिर आप उसको वजीर तालीम बना देंगे या वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सेहत का भी यही मामला है, तो जैसे हम लोग सेहत को, सेहत के शोबे को इग्नोर करते आए, जैसे हम तालीम के शोबे में लोगों को देखते आए और वहाँ बुरा हाल भी देखते आए, वैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यही मुस्तकबिल है, क्या इस पर भी हम सरदाह भर कर बैठ जाएं, एक आम पाकिस्तानी ये सोच ले कि दुनिया इस शोबे में तरक्की करेगी, नौकरियां पाएगी, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा हुकूमती सतह पर कम अज़ कम? जी जी, बहुत अच्छा नुक्ता आपका, ये सिर्फ ये दो तीन शोबा जात की बात नहीं है, ये इससे एक बड़ा मसला है। तो हमें, चलिए अगर साइंस की बात हम कर रहे हैं, तो एक साइंस का कल्चर बनाना होगा पाकिस्तान में, जिसका मतलब ये है कि आप बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में और स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटियों में अच्छी साइंस सिखाएं। अच्छी साइंस सिखाने के अब बहुत जदीद तरीके मौजूद हैं और उनसे हमें इस्तेफादा करना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग खास तौर पर। फिर हमें टीचर्स की अहलियत भी देखनी चाहिए, इस वक्त जो साइंस के असातिज़ा हैं स्कूल कॉलेज में, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ उनका हाल देखकर, उन्हें खुद साइंस नहीं आती, वो साइंस पढ़ाएंगे क्या? तो ये सिर्फ वजीर की बात नहीं है, इस पूरे निज़ाम को, इस पूरे कल्चर को बतदरीज हमें बदलना होगा। और बहुत अच्छा होता अगर कोई PhD होता और वो साइंस और टेक्नोलॉजी के किसी शोबे से वाबस्ता होता जिसको हम वजीर लगा सकते एज मिनिस्टर ऑफ साइंस, अगर ऐसी कोई ऑप्शन होती उम्मीद तो कर सकते हैं, तो हुकूमत ऐसा सोचते, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं चीज़ें बेहतर होंगी। जिस तरह आपने कहा कि वो इदारे जो ये काम नहीं करे या तो बंद कर देने चाहिए या तो वो फाल होने चाहिए ताकि मामलात बेहतर हों। बहुत शुक्रिया परवेज़ उद भाई साहब, साथ आप मौजूद से मुतालिक आप गुफ्तगु कर रहे थे। यहाँ पर हम लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा, तो रहिए नया दिन के साथ। दिल टूट सा गया, छनक सी हुई, आवाज सी आई, ऐसा लगा ये नया दिन की ब्रेकिंग न्यूज है, ये किसी भी टीवी चैनल पर पहली बार चल रहा है। सॉरी, बहुत सारे मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे इसमें आपने देखे, जिनके घर टूट जाते हैं, उनका बचपन नहीं छूटना चाहिए, ये गाना इसी के गिर्द घूम रहा है, इसी के गिर्द घूम रहा है, पेरेंटिंग के गिर्द घूम रहा है, जिम्मेदार कौन होता है उसके गिर्द घूम रहा है। तो अली गुलपीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो बाकी बात हम अली से ही करेंगे। अली, ब्यूटीफुल मैसेज बाय दिस सॉन्ग, थैंक यू। तो मैं चाहूंगा कि हम आपसे ही कहेंगे, जरा एलिबरेट करें इसको, व्हाई दिस मैसेज? Why this message? Because तकरीबन 4-5 साल पहले मुझे एंग्जाइटी अटैक्स होने शुरू हो गए और मुझे पैनिक अटैक्स होते थे, तो मैंने कहा ये क्या है, मुझे समझ भी नहीं आया ये क्या है, तो मैं थेरेपी किया, मैं एक्सरसाइज करने शुरू हुआ, और मैंने जब दोस्तों से बात किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी, आई कम फ्रॉम अ डिवोर्स फैमिली, मेरी भी पेरेंट्स डिवोर्स हुए थे, तो
एक ऐसे बच्चों में एक इनसिक्योरिटी सी होती है, एक एंग्जाइटी सी होती है, क्योंकि बचपन स्टेबल नहीं गुजरा होता. तो ये चीज़ें हैं ना, हम बात नहीं करते तो ये बड़े होते हैं तो निकलती हैं चीज़ें. तो ऐसे मैं बहुत यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे जिनके माँ बाप भी डिवोर्स थे, या बाप चले गए थे या अम्मी चली गई थी, तो वो उनके बहुत इश्यूज़ थे और वो हम एक दूसरे के दूसरे बच्चों को बताते नहीं थे, क्योंकि हमें ये होता था ना कि थोड़ी इनसिक्योरिटी होती थी कि हर किसी के अब नहीं करते, अम्मी अबू आते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में पर हमारी नहीं होती थी, तो हमें ये फील होता था, एहसास कमतरी होती थी. तो मैं सोचा कि अब एक ऐसा गाना होना चाहिए जो इन सारे बच्चे जो ऐसे फील करते हैं उनको, उनकी फीलिंग को पोर्ट्रे करे और उनकी फीलिंग को रिलेट करे, ताकि वो सुन के समझें कि ठीक है यार, ये चीज़ें तो ज़िंदगी में होती रहती हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि अपने आप को ब्लेम करें. होता है ना, बच्चे ये अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, यार अम्मी अबू की शादी टूट गई, हो सकता है मेरी गलती हो. तो ये भी एक सोच है और सबको ऐसा माहौल भी एक बन सा जाता है, बिल्कुल वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. अच्छा, लिरिक्स बहुत प्यारे हैं, काम आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, वीडियो भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा पता चल रहा है कि बजट कम है. कहाँ है ये बजट, क्या किया आप लोगों ने उसका? ये बजट जो हमने तकरीबन एक बहुत बड़ी डायरेक्टर है अंजलीन मलिक, उन्होंने मुझे हेल्प की. हम सिरातुल जन्ना एक ऑर्फनेज है कराची में, तकरीबन 150 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, तो हमने वो बजट रेज किया और तकरीबन 3 लाख या कुछ जितना हम कर सकते थे हमने उनको डोनेट किया ऑर्फनेज को, क्योंकि हमें नहीं लगा कि हम बड़ी प्रोडक्शन करके बड़ी वीडियो बनाए. हमने एक वेयरहाउस किया, बहुत बड़ा है. बस हमने कोशिश किया कि हमने जाके इन बच्चों के साथ डिनर किया, इन बच्चों के साथ खेला. वहाँ पे मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली, सानिया उसका नाम है, सिरातुल जन्ना में. वो 5 साल की बच्ची है. जब वो 5-6 महीने की थी तो किसी ने उसे अडॉप्ट किया एक ऑर्फनेज से, और फिर जब उनको पता चला कि 3 साल की जब वो हुई कि वो बोल नहीं सकती, तो उन्होंने सिरातुल जन्ना में छोड़ के चले गए. तो बहुत क्यूट बच्ची. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो निगलेक्टेड हैं हमारी सोसाइटी में, और हम अगर हफ्ते में या महीने में भी 1 घंटा जाके उनके साथ थोड़ा स्पेंड कर लें, थोड़ा जाके खेल लें, तो बहुत उन लोगों को मैटर करता है, उन लोगों को बहुत फील अच्छा होता है. तो आई नो कि जब आई वॉज ग्रोइंग अप, मैं छोटी सी बात है कि शेव करना है ना अब्बू सिखाते हैं, मैं दोस्तों भी ये बताते थे, तो मेरे अब्बू क्योंकि सेपरेटेड थे, वो दूसरे मुल्क में रहते थे, तो शेव मैं खुद ही सीखा. तो बहुत कट लगे होंगे, बहुत ज़्यादा टिश्यू लगे होते थे, और फिर दूसरे दिन है ना हम एक दूसरे को दिखाते थे कि यार ये हो गया ये हो गया. सो छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी सोसाइटी में डिस्कस होना चाहिए. हमारे यहाँ होता है कि अम्मी अबू बात नहीं करते कि बच्चे को छोड़ दो, उसको वो बस साइड पे कर लो, पर बच्चों से प्लीज़ बात करें. मैं एक मैसेज अगर देना चाहूँ पेरेंट्स को कि अपने जो भी अपने लाइफ में हो रहा है आपके हस्बैंड वाइफ के दरमियान, आप बच्चों से प्लीज़ बात करें, उनको बताएं कि उनकी गलती नहीं है. जो भी होता है, रिश्ते बनते हैं टूटते हैं, ये एक वो साथ न भी रहें तो बच्चों का साथ ना छोड़े. बिल्कुल, उनके साथ रहे, उन्हें निभाते रहे. यू सेड इट बेस्ट, यू आर वंडरफुल पर्सन. अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी ना कि मैं ये सुन लूँगी, मैं ये पूछ लूँगी, हम इस पे बात कर लेंगे, और अली गुलपीर आ रहे हैं तो हम वडेरे के बेटे से शुरू होंगे, नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे. ये तो आपने मुझे बिल्कुल घुमा के चकरा के रख दिया. बस मैंने समझा अंडे वाला बर्गर को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. एक्सेप्ट हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है. अच्छा, मैं चाह रहा था कि कुछ तस्वीर हमारे पास हैं, हम चाहेंगे साथ आप दिखाएं वो पहले तस्वीर आपको, कि अक्सर ऐसी तस्वीर जो मॉडल्स या एक्टर्स वो शेयर करते हैं ना, उसका रिएक्शन आता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन, और वो अली का रिएक्शन आया है. ऐसी तस्वीर पहले, ये क्यों आया है? बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने उनका, तबाही निकाल दिया, क्यों? वो तस्वीर काफी नहीं थी, हिमाकत सी ये भी कर दिया. बस मैं जब ये फोटोज देखता हूँ जो हमारे फैशन के लोग खींचते हैं, तो मैं कभी कभी देखता था कि ये क्या है, मतलब मेरे गांव का कोई बंदा अगर देख ले तो वो हंसेगा, उसको समझ नहीं आना. तो मैं सोचा कि इनका मजाक उड़ाना चाहिए, हम हमेशा एहसास हो जाए.
तो सोशल इश्यूज का मजाक उड़ाते हैं तो हमें फैशन का भी मजाक उड़ाना चाहिए। देखें, मेरा फिलॉसफी ये है कि काम का मजाक उड़ाना चाहिए, किसी की शख्सियत, किसी की, किसी का रंग, किसी का वजन, किसी की पर्सनैलिटी पे नहीं, पर काम अगर किसी का है तो करें। लेकिन जो तनकीद की कोई रिएक्शन वहां से आया, फिर आपके रिएक्शन का भी रिएक्शन। बिल्कुल अच्छी बात है कि सदफ कबल, आमना इलियास, सबा कमर, सारी सबका मैंने मजाक उड़ाया, उससे मुझे मैसेज करके बहुत बहुत इनकरेज किया और बहुत अच्छी एक तरीके से मजाक उसको पसंद किया। अच्छा, आपने ना ड्रामे भी नहीं छोड़े ना, एक खातून लिखती है कि इसमें मैं जो है ना अच्छी सीधी रोने वाली बहू बनने का किरदार अदा करूंगी और आगे से आप लिख देते हैं, ओह बहुत नई बात है, कोई ड्रामा ऐसा नहीं बना, बहुत अच्छा करने जा रही हैं आप। उसपे कोई रिएक्शन आया था क्या? नहीं मैं उन एक्ट्रेस को नहीं जानता, वो बस एक ड्रामा था, उनमें एक एक्ट्रेस है आयजा खान, उन्होंने बोला कि मैं एक अलग रोल करने वाली हूँ कि एक बीवी है जो खुश नहीं होगी, तो मैंने ये तो हम हर दिन ड्रामे में देखते रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है, बहुत कोई ओरिजिनल बात होगी। सो यही है कि हमारे ड्रामे भी आपको फील होता होगा कि ड्रामे बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे लगते हैं। मैं अभी एक पुराना ड्रामा देख रहा था, तपिश, बहुत पुराना है, 80s 90s का, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे, मैं लेट 80s मैंने फिर से यूट्यूब पे देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने कहा यार ऐसा ड्रामा होना चाहिए, स्टूडेंट यूनियंस कैसे बनती हैं, उसमें क्या क्या मसले होते हैं। अच्छा, मेरे पास रह गए 50 seconds ना, ठीक है, और मैं एक जुमला कह रही हूँ और उसके बाद में आप जो है मुझे वडेरे का बेटा सुना रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हर बार आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है और ये जो आपका कहका है ना बड़ा भरपूर है, इसको ऐसे ही रखिएगा, आज मैं समझ पाई हूँ कि इसके पीछे क्या क्या छुपा है। आप बताए वडेरे का बेटा। यस, अकबर जतोई जलबानी मेरा नाम, पजेरो चलाना और आयाशी मेरा काम, इतना अमीर के निकले पैसा, अभी दिखाता हूँ कैसा, गोल्ड लाडो वॉच मेरा, कलफ कुर्ता काला, लड़कियां मुझे देखे और बोले ऊ लाला, बाल ऑल सेट और इनमें सरसों का तेल, मेरे सामने तुम सारों की मूछ है फेल, बर्गर साई तो साई नया दिन भी साई, साई तो साई, साई की ब्रेक भी साई, ब्रेक ले ले। हेडलाइंस आपने देखी, नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद, रास्ते कितने ही तवील हो अगर मुकाबला करने वाला अज़्म और हौसले का दूसरा नाम हो तो फिर रास्ते यूं कटते हैं और कितनी कठिनाइयां हो फिर भी कटते हैं, फिर कोई रुकावट नहीं रहती, मंजिल आसानी से मिल जाती है। कुवैत समात और गोयाई से महरूम कराची की 15 साल साजिदा ने वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स के टेनिस मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। गुलशन इकबाल की कच्ची आबादी में रहने वाली साजिदा को खुसूसी बच्चों के स्कूल में दाखिल करवाया तो वो स्पोर्ट्स में नुमाया नजर आई। टेनिस का शौक साजिदा को वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स तक ले गया जहां उसने न सिर्फ वालिदैन बल्कि पूरे पाकिस्तान का, पूरे मुल्क का, कौम का नाम रोशन किया, 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। बेटी की कामयाबी पर वालिदैन बहुत खुश हैं, हुकूमत की तवज्जो मिल जाती तो क्या ही बात थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम ध्यान देंगे हम इस पर बात भी करेंगे। और आज हम एक बार फिर ये बात करेंगे कि डिसएबल का वर्ड आपने इस्तेमाल नहीं करना, किसी ने भी इस्तेमाल नहीं करना, डिफरेंटली एबल्ड पर्संस ये टर्म आप यूज करें, क्योंकि अगर कोई एक कमी है तो किसी एक जगह पर अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया है, इतना हुनर दे दिया है, और स्पेशल कहने पर मजबूर हैं, स्पेशल कहने पर मजबूर हैं और वाकई ही स्पेशल है। स्पेशल ओलंपिक्स, इसमें नाम रोशन करें वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं साजिदा, शी इज गोल्ड मेडलिस्ट, साथ ही उनके ट्रेनर हैं शर्जील, वेलकम टू नया दिन। और जहां जहां हम दोनों फंसेंगे ये वहां हमारी एग्जैक्टली हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी सी यू नो साइन लैंग्वेज के जरिए इनसे बात करें। तो साजिदा, वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, कोई डर तो नहीं लगा? मैं बातें कर रही हूँ जब तक किरण ने हाईजैक कर लिया है, हमेशा कर लेती है ना, जब साइन लैंग्वेज किरण बहुत अच्छा करती है, मैंने देखा किरण एक दिन, तो मैं चाहूंगा प्लीज आप बताएं मुझे, डर नहीं लगा आपको? जबरदस्त, बिल्कुल डर नहीं लगा, बहुत खुशी हुई। अच्छा, गोल्ड मेडल, जबरदस्त, एकदम अप, फील गुड। इनसे पूछे ना, बताए ना कि जब इनको गोल्ड मेडल मिला तो कैसा लगा था। कह रही है कि मेरे सब दोस्तों ने देखा, मैं जाऊं खड़ी हुई थी, मुझे खुशी, डांस भी कर रही थी उस स्टेज के ऊपर, ठीक है,
जब पाकिस्तान का झंडा हुआ फ्लैग स्लेट हो रहा था तो ये डांस भी करके दिखा रही थी उन लोगों को। और ये बताए ये यहाँ तक आराम से आ गई, ये रास्ते में आपसे बातें बातें करती भी नहीं है, पूछती भी नहीं है? तंग तो बहुत करती है। क्या तंग करती है? कभी कुछ भी दिखता है रास्ते में तो रोक के वहीं, ये क्या है, यहाँ कैसे आऊंगी, यहाँ कब आना है, सारी चीजें पूछते पूछते आती है। और यहाँ आके नया दिन में आके कैसा लग रहा है? पूरे घूमते घूमते हमारा जो रैंप है ना वहां से गाड़ी सीधी नहीं आती, गाड़ी जब तक ऊपर आती है हम भी चकरा जाते हैं, मतलब घूम जाते हैं। यहाँ तो ओके है ना, मुतमईन है, हैप्पी है। अब आगे क्या करना है बोलो, बताओ। और खेलने का इरादा है ताकि अभी सिर्फ अमेरिका को हराया है, इसने कह रही है कि आगे जाके अमेरिका सिर्फ है अमेरिका को हराया, भाई क्या बात है। और आपको बताते चलूं कि अमेरिका का डेलीगेट जो पॉइंट था वो 300 था, जो इसने बीट किया है, जो 3-4 ईयर से कोई तोड़ नहीं पा रहा था। इस बच्ची ने बीट करके पाकिस्तान का टॉप लेवल के ऊपर टेनिस पॉइंट को ले गई। तो आपने कितनी मेहनत की? मेहनत तो बहुत लगी है, उसके अलावा मुश्किलात भी बहुत आई, क्योंकि जिस आपको पता है जिस ये खानदान से ताल्लुक रखती है बच्ची, वहाँ पैंट शर्ट अलाउ नहीं करते, ठीक है, तो उनको वहाँ हमें फोर्स करना पड़ा, उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाना पड़ा कि नहीं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि स्पेशल ओलंपिक्स जब भी बच्चों को सिलेक्ट करता है उससे पहले कैंप्स लगाए जाते हैं, जिसमें 18-20 कैंप्स लगते हैं, और पर कैंप होता है 15 डेज का उसका पीरियड होता है, तो उसमें रुकना, स्टे करना, रात भर वहाँ रुकने नहीं देते थे। घर से पता है उनके पेरेंट्स आपको बिलोंग कर, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं कोई अपनी बच्ची क्यों छोड़ेगा, हमने उनको फोर्स किया कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्ची को करना पड़ा, बिल्कुल कन्विंस करना पड़ा। ये कैसे डांटते तो नहीं है, बोलो बताओ, दोस्ती है हम दोनों की भी है। वर्ल्ड गेम में जाने से पहले भी इसने दो और गोल्ड मेडल जीते थे, लाइक दिस वन, ये इसने नेशनल गेम से जीते थे, एक गोल्ड और एक सिल्वर, इन्होंने क्वेटा को हराया था, उसमें खैबर पख्तूनख्वा को बीट किया था। जबरदस्त। और ये टोटल 4 मेडल अब तक जीते हैं इन्होंने, 4 मेडल। उसके पहले रीजनल गेम्स होते हैं जिनके अंदर इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, वो भी डिवीजन ए के अंदर, वो भी टेनिस के अंदर ही की थी। उससे पहले एथलेटिक्स में इनको हमने इन करवाया था, उसमें थोड़ी सी हमें परफॉर्मेंस इनकी पुअर लगी, मगर माशाल्लाह सब मैं कहता हूँ कि ये बच्ची उसमें भी बीट कर सकती है सबको। खाती क्या हो, जबरदस्त। इसका नाश्ता वाश्ता बताए ना, नाश्ता क्या करती है, क्या उसकी रूटीन होती है? जो इनकी प्रोटीन्स वगैरह कैल्शियम जो हमें प्रोवाइड हो रही है, जब बच्ची हमारे पास 3 साल पहले हाई तो बहुत ज़्यादा वीक थी, इसके हाथ से रैकेट घूम जाता था, ठीक है, तो जो भी इसका मिल्क वगैरह का प्रोटीन वगैरह हमने देना शुरू किया इसको, उसमें इसको डेली मिल्क दिया जाता है, उसके अलावा एक अंडा और भी बहुत कुछ जो ये खाना चाहे। तो ये तो एक मामला हो गया कि आप डाइट का बड़ा ख्याल रख रहे हैं, बाकी ट्रेनिंग सेशन के हवाले से बताएं कितना घंटा ट्रेनिंग कराते हैं? तकरीबन इनका दिन के अंदर 1-2 आवर इनकी ट्रेनिंग चालू होती है, और जिसमें मैं थक जाता हूँ, बकायदा इनका स्टेमिना हाई जा रहा है, मुझसे मुझे भी बीट कर जाती है अक्सर। ये आपको भी कीड़ है, अमेरिका को बीट कर दिया है जिनके पॉइंट्स आपने शेयर किए, तो अब आप क्या है, आप तो कोई किसी खेत की मूली नहीं है। एक इन्होंने सिंगल में किया है और एक इन्होंने डबल में, यूनिफाइड होता है डबल में, जो एक नॉर्मल खिलाड़ी को खिलाया जाता है, एक स्पेशल को, तो उन्होंने इसके अंदर भी गोल्ड मेडल और एक सिंगल के भी रहे ना, सारी क्या बता रही है? वो कह रही है वहाँ मेरी बहुत दोस्त बन चुके हैं। वाओ, यूज करती है सोशल मीडिया? हाँ बिल्कुल, ये व्हाट्सएप वगैरह, जो आपका शो हो रहा था समा पे जब साथ में हमें कवर कर रहे थे, तो माइक के ऊपर नाम आपका समा लिखा हुआ था, इसने वो नोट करके यूट्यूब पे जाके समा लिखा, अपना नाम आगे लिखा ताकि सर्च करूं मैं आ रही हूं नहीं आ रही हूं। और ये बताएं ये पढ़ाई में कैसी है, बस खेलती नहीं? माशाल्लाह से इंटेलिजेंस बहुत है पढ़ाई के अंदर, इसको एजुकेशन साइड पे भी हम लोग डील कर रहे हैं, इनकी थेरेपिस्ट से लेके एजुकेशन साइड पे हम लोग देख रहे होते हैं इनकी। अभी माँ भी बोलती है कोई साउंड ये निकालना शुरू हो गई है बेटा, अल्लाह क्यूट। क्या बात है, वैसे भी कहते हैं ना पहला लफ्ज़ आप बोलते ही माँ है। बिल्कुल। ओह, और ये जल्दी प्रोग्रेस करेंगी सब? बहुत माशाल्लाह। और दूसरे पेरेंट्स जो स्पेशल बच्चों के साथ आते हैं या अपने स्पेशल बच्चों को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे होते, क्या इस एग्जाम्पल के बाद वो आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल, ऐसी हमारे पास बहुत से भी मिसाल आई हुई है जो इसको देखने के बाद हमारे सेंटर्स में आ रहे हैं कि हमारे बच्चे भी आगे जा सकते हैं, आप भी कुछ कोशिश करें। तुम लोग उनको कहते हैं कि आप हौसला ना हारिए, अल्लाह देने वाला अल्लाह दिखाता है, इस बच्ची को भी
बेशक। वैसे साजिदा का कोई गोल है कि वैसे तो स्पेशल ओलंपिक्स में जाना या स्पेशल बच्चों के साथ मुकाबला करना, लेकिन अदरवाइज सानिया से मुकाबला करना या अदरवाइज यूनिफाइड पार्टनर्स को भी बीट करूं मैं, ताकि नॉर्मल के साथ खेलूं मैं उनको बीट कर सकूं। हां नॉर्मल के साथ खेलूं, ये मैं जानना चाह रहा हूं, ये शौक है, खुद आगे बढ़ती है। ओके ठीक है, ये नेट पे आप सर्च करते रहते हैं कहां टूर्नामेंट्स हो रहे हैं कहां नहीं, पर हमें आके खुद बताती है कि मुझे यहां जाना है तो जाना है, नॉर्मल है तो मैं क्या मैं नहीं जा सकती। जबरदस्त जबरदस्त, ऑल द वेरी बेस्ट साजिदा के लिए, और आप भी ट्रेनिंग कराना कराते रहिए ताकि आप और मेडल जीतें, हम दोबारा से आपको नया दिन में बुलाएं। थैंक यू सो वेरी मच, आपके लिए बहुत शुक्रिया, ये वाकई मिसाल कायम की है। और अच्छा, यहाँ से सीखने की भी ज़रूरत है कि अगर कुछ स्पेशल बच्चा है तो आप उसका देखिए कि शौक किस तरफ है, किस खेल की तरफ है, उसमें टैलेंट क्या है, उस छुपे हुए टैलेंट को पॉलिश करना आपकी जिम्मेदारी है, यानी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो फिर वो बच्चा नाम रोशन करेगा और स्पेशल बच्चा स्पेशल नाम रोशन करेगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं और श्रेयब ना आज हम दोनों इतने एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड तो थे लेकिन हम इस तरह से हमारे सामने चीज़ें आएंगी, हम लोग किसी और ही फेज में चले गए और बार बार पीसीआर को कहना पड़ता है वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ, और इश्यूज हैं वो भी शेयर कर लो। एग्जैक्टली, और शेखोपुरा में एक ऐसा वाकया हो गया कि जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो हम ये खबर आपको दे रहे हैं। शेखोपुरा का इलाका फारुखाबाद, यहाँ 8th स्टैंडर्ड, इसके तालिब इल्म से क्लास रूम में टीचर ने मुबैना तौर पर जूते साफ कराए, और इस पर पहले तो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने एक्शन लिया, फिर स्कूल इंतजामिया ने इंक्वायरी की, टीचर जो थे ताहिर महमूद उनको। ये वाकया क्या था और इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, दोनों जानिब का मौकफ शामिल करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। 15 अप्रैल को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फारुखाबाद में टीचर ताहिर महमूद आसी तालिब इल्म से अपने जूते साफ कराते पाए गए थे। ये पता चला कि वो बच्चा जो है वो भट्टे के मजदूर का बच्चा है, इस वजह से उसको ये काम दिया गया, अदरवाइज बाकी सारी क्लास पढ़ने में मशगूल थी। डीसी शेखपुरा की हिदायत पर सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार अहमद खान ने स्कूल के तलबा और असातिज़ा के बयानात रिकॉर्ड किए। तालिब इल्म ने बताया कि उसने टीचर ताहिर महमूद के कहने पर उनके जूते साफ किए। सर ने कहा था जिस बच्चे के पास कपड़ा है वो कपड़ा लेके आके मेरे जूते साफ। दूसरी जानिब ओटी टीचर ताहिर महमूद आसी ने डीएमओ पर असातिज़ा की तस्दील का इल्ज़ाम आयद कर दिया। बच्चों के सामने करवा के आपके सर पे जूता मार दो। वाकये की तस्दीक होने पर टीचर ताहिर महमूद आसी को मुअत्तल करके उनकी खिदमात डीईओ सेकेंडरी शेखपुरा के हवाले कर दी गई हैं। इस वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है, आपसे शेयर करते हैं। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज बच्ची नशवा दम तोड़ गई है। 9 माह की नशवा जिसे गलत इंजेक्शन लगा, तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद उन्हें और अस्पताल मुंतकिल किया गया था, अब यह खबर आई कि वो दम तोड़ गई। हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सऊद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में निशवा के साथ जो मामला हुआ था वो मफलूज हो गई थी, और उसके बाद स्टेडियम के करीब निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्माकश में वो काफी रोज जेर इलाज रही, और आज सुबह 9:40 पर वो इंतकाल कर गए। इस बात की तस्दीक खुद निजी अस्पताल के जो तर्जुमान हैं और जो अस्पताल इंतजामिया ने उन्होंने कर दी है, पुलिस हुकामकार ने भी इस बात की तस्दीक की है कि निशवा जो है अब इंतकाल कर गई है। पुलिस ने इस वाक्य में पहले ही खातून जिसने जिम्मेदारी थी जिसकी इंजेक्शन लगानी उस समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। गुज़श्ता रोज भी 3 मुलजमान गिरफ्तार हुए थे, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि इस पर मजीद तहकीकात की जा रही है। इस वाक्य का मुकदमा निशवा के ही वालिद की मुदय्यत में दर्ज है। अच्छा, इस सारे वाक़े का ज़रा अहाता कीजिएगा, क्योंकि जितने दिन ये बच्ची परेशानी में रही है, जितने दिन इसके वालिद रोते रहे, इसके फैमिली मेंबर्स रोते रहे, उतने ही दिन लोग भी मुतासर हुए हैं, लोग भी इस बच्ची के लिए बहुत रोए। पूरा वाक़ा ज़रा समझा दीजिए, सुना दीजिए, एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में जेर इलाज थी, वहाँ पर इस बच्ची को 2 इंजेक्शन लगने थे, एक कनाला में और एक इसकी ड्रिप में, जो कि उल्टे लगा दिए गए थे, जो कि अस्पताल उनके जो गिरफ्तार मुलाजमीन है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है, जिसके बाद पुलिस ने जिस शख्स ने जो मुलाजिम था स्टाफ था लोअर स्टाफ जिसने ये इंजेक्शन लगाए थे पहले उसको गिरफ्तार किया गया, और उससे तफ्तीश के बाद आज दीगर जो अफसरान थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता रोज एक एडमिन हेड और नर्सिंग का जो हेड है
उसको गिरफ्तार किया और उस पर ये बात सामने आई कि सोगिया नामी मिडवाइफ थी जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि उसने लेबलिंग करनी थी और उसके बाद इंजेक्शन लगाने थे, लेकिन लेबलिंग की ही नहीं गई और एक नॉन टेक्निकल स्टाफ को यानी जिसकी जिम्मेदारी ही नहीं है, जिसको इंजेक्शन लगाने का मालूम ही नहीं है, उसको वो इंजेक्शन दे दिए गए थे और लेबलिंग ना होने की वजह से ट्रांसपेरेंट इंजेक्शन थे तो उसने एक जैसे देखने में मालूम है तो उसने वो इंजेक्शन बताया जा रहा है कि उल्टे लगा दिए थे जिससे ये निश्वा के साथ ये हादसा पेश आया था और उसके बाद काफी और ये आज इंतहाई अफसोसनाक खबर आ गई, ये मासूम बच्ची अपनी जान से गई। बहुत शुक्रिया सऊदीन मुर्तजा, आपने अपडेट किया। और इससे पहले हम फारुखाबाद वाकये की बात कर रहे थे, टीचर ने साफ करवाए थे जूते स्टूडेंट से और फिर उसके बाद में उनको वहाँ पर सज़ा भी भुगतना पड़ी थी। ये सारा मामला क्या है इसी सब पर बात करेंगे। हमको डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सुमेरा अम्बरीन ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू नया दिन, ये फरमाइएगा ये सारा मामला क्या हुआ था। स्कूल टीचर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने उन्हें धमकियां भी दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू कि आपने हमारा मौकफ जानने के लिए हमें कांटेक्ट किया। एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का यही असूल है कि दोनों तरफ का मौकफ जान के फिर ही खबर को ऑनियर किया जाए। थैंक यू सो मच। जहाँ तक वाकये का सवाल है तो मैं आपको थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दूं कि हम सीएम जो रोड मैप है उसके अंडर जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं एजुकेशन अथॉरिटी के, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के, और हम जो अपनी पावर कन्फर्ट करते हैं वो हम जो डिप्टी कमिश्नर है उसके ऑफिस से ही कन्फर्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन हम सरप्राइज विजिट करते हैं। मेरे फील्ड के अंदर 21 से 26 तक MEAs हैं जिनको हम मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट्स कहते हैं। उनकी मॉनिटरिंग होती है हर महीने, वो हर महीने स्कूलों के अंदर जाते हैं। यहाँ पर 1500 के करीब स्कूल हैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर और हर महीने ही उनकी इंस्पेक्शन होती है, मॉनिटरिंग होती है। और उनकी मॉनिटरिंग को काउंटर करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग को शेडो मॉनिटरिंग करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का ऑफिस यहाँ पर मौजूद होता है हर ज़िले के अंदर। 36 अजला हैं पंजाब के और उसमें हर ज़िले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है जिसके पास की पूरी टीम होती है। एज़ फार एज़ द कंसर्न इंसिडेंट अगर हम उसके ऊपर बात करें तो 15 अप्रैल को हमने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फारुखाबाद फॉर बॉयज़ का विज़िट किया और चूँकि ये सरप्राइज विज़िट होता है इसमें किसी को इंटीमेशन नहीं होती, इवन कि हमारा स्टाफ है वो भी उसको इंटीमेट नहीं किया जाता कि कौन से स्कूल के अंदर हमने जाके इंस्पेक्शन करनी है। तो ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन पहले हमने जो उनकी सैनिटेशन है उनको उसको थोड़ा वैल्यूएट किया, उनके ड्रिंकिंग वाटर को वैल्यूएट किया बिकॉज द समर सीज़न इज कैचिंग अप। देन जो सामने क्लास थी हमारे पास 8th क्लास उसको हमने विज़िट किया। देन आई सॉ के टीचर जो हैं वो चेयर पे बैठे हुए हैं और एक बच्चा उनके पास कदमों के अंदर बैठा हुआ है और उनके जूते साफ कर रहा है। मोर ओवर जब मैं क्लास में एंटर हुई तो मैंने उस बच्चे को उठाया और उसको मैंने कहा कि बच्चे आप ये जूते क्यों साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बाकी क्लास तो पढ़ाई कर रही थी। तो टीचर ने कहा कि जी मैं टीचर हूँ और मैं इनसे जूते साफ़ करवा सकता हूँ। मैंने कहा सर आप करवा सकते हैं लेकिन ड्यूरिंग जी, उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ मैं जूते साफ़ करवा सकता हूँ। मैंने कहा सर आप जूते साफ़ करवाएं या जो मर्ज़ी करवाएं लेकिन ड्यूरिंग क्लास आप ये काम नहीं करा सकते जबकि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी देर के अंदर एक जूता उनके पैर में था और एक जूता बच्चा साफ़ कर रहा था, वो जूता मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया, खुद मैंने अपने हाथ में पकड़ा और बच्चे को मैंने कंधे पे हाथ रखा और मैंने कहा बेटा आपने डरना नहीं है, आप प्रिंसिपल ऑफिस चले, मैं आपसे प्रिंसिपल ऑफिस में जाके बात करती हूँ। और वो सिंगल शूज़ ही लेकर हम प्रिंसिपल ऑफिस में आ गए। ये जो उनका स्टांस है कि मेरे जूते उतरवा लिए, जूते ऑलरेडी उन्होंने ऑफ किए हुए थे, जूते उतारे हुए नहीं, थे। नहीं 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 उनका उनका मौके छोड़े आप पहले ये बताएं कि फिर आपने एक्शन क्या लिया, आप उस जूते को लेकर आप लोग प्रिंसिपल ऑफिस गए, स्टूडेंट आपके साथ था। जी हम प्रिंसिपल ऑफिस में आ गए, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आने के बाद बच्चे से मैंने अपना उसका स्टेटमेंट लिया कि उसका नाम लिखवाया, उसके वालिद का एड्रेस लिया, उसका वालिद का फ़ोन नंबर लिया और उससे पूछा कि उसके वालिद साहब क्या काम करते हैं। उन्होंने कहा जी भट्टे पे मजदूर हैं वो। देन मैंने उनसे पूछा कि आप जूते क्यों साफ़ कर रहे थे जबकि आपकी बाकी क्लास पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे के पास भी कपड़ा है वो ला के मेरे जूते साफ़ कर दे, सिंपल इज़ दैट। उससे बच्चे से स्टेटमेंट ले लिया, टीचर से मैंने पूछा हेड टीचर से कि आप क्या राउंड नहीं करते क्लासों के अंदर और आप क्या इन टीचर्स को मना नहीं करते कि वो इस तरह के जो अदर्स काम हैं पढ़ाई के अलावा वो उन बच्चों से ना करवाए जाए। उन्होंने कहा जी हमने बारहा इनको स्पेसिफिकली इन टीचर को हमने कहा है कि बच्चों से ज़ाती काम मत करवाएं लेकिन वो रेडी नहीं है हमारे साथ कोऑपरेट करने। और मीनवाइल टीचर मैंने लॉग बुक जिसको
नहीं नहीं उन्होंने किस तरह से कहा था, उन्होंने कोई नोटिस दिया उनको, कुछ तहरीरी उनके पास मटेरियल है कि उन्होंने इनको नोटिस दिया हो कि भाई जी आप ये कर रहे हैं? जी जी उनके पास जी जी एग्जैक्टली अंडर पीडा के अंदर वो जो टीचर हैं वो पहले ही अंडर प्रोसिक्यूशन है इन्हीं चीज़ों की वजह से। 5-6 एलिगेशन हैं उनके उनके ऊपर जिनकी वजह से हेड टीचर ने उनके ऊपर पहले ही 2-3 दफ़ा शो कॉज नोटिसेस जारी किए हुए हैं और पीडा की इंक्वायरी चल रही है, जिसमें व्हेन ही वाज इंचार्ज टीचर वो खुद भी उस स्कूल के इंचार्ज रह चुके हैं और इंचार्ज होने के बाद वो बच्चों से कुछ इलीगल फंड्स इकट्ठे करते रहे हैं और बाद में कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया इस मामले के अंदर कि मैं बाद में पैसे वापस कर दूंगा और इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से उनके ऊपर पीड़ा की इंक्वायरी भी चल रही है। ये दीगर मामलात भी हैं। देन सुमेरा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, ओके मैं स्पेसिफिकली इस इंसिडेंट पर ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जब आपने इंस्पेक्शन की, जब आप विजिट पर गई, आपके साथ और कौन कौन था और क्या उस स्कूल का स्टाफ भी था जब क्लासरूम में गई? यानी मैं जानना चाह रहा हूँ उस टीचर और स्टूडेंट्स के अलावा कौन था जो गवाही देता है कि ये मामला इसी तरह हुआ जिस तरह आप बता रही हैं? जी बिल्कुल, जब मैं स्कूल में गई हूँ मेरे साथ मेरे डीपी होते हैं, डाटा प्रोसेसर हैं, डाटा प्रोसेसर मेरे साथ होते हैं, इसके अलावा ड्राइवर मेरे साथ होता है, सिविल डिफेंस का एक हमारे पास बंदा होता है। इसके अलावा जब हमने ये इस इंसिडेंट जो 8वीं क्लास के अंदर पेश आया उस वक्त वहाँ पर उनके प्रिंसिपल भी मौजूद थे, उनके वाइस प्रिंसिपल भी मौजूद थे और जो उनकी जो 80 या जितनी बच्चों की क्लास थी वो सारी क्लास भी वहाँ पर मौजूद थी। दे ऑल विल सेकेंड जो जो सिचुएशन वहाँ पर हुई, ये जूते पहले उसे उतरवाए गए थे या बाद में उतरवाए गए, ये सब सिचुएशन को वो लोग सेकेंड करेंगे। इसके बाद जो मेरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो लॉग बुक नहीं लिखी, लीगल प्रोसीडिंग नहीं की, तो सिंपल इज़ दैट कि सबसे पहले मैंने लॉग बुक लिखी है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाने के बाद मैंने लॉग बुक लिखी है जिसमें बाय नेम टीचर को मेंशन किया है और प्रिंसिपल को हिदायत दी है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। राइट। नेक्स्ट जो हमने बाकी क्लासेस विजिट की थी जिसमें बच्चों ने एडमिट किया था कि हमसे दिन में 2 दफ़ा सफाई करवाई जाती है, उन हेड टीचर्स का बाय नेम मैंने लॉग बुक के अंदर मेंशन किया है और वही मेरी रिपोर्ट के अंदर शामिल है। राइट फ्रॉम कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल हमने वो रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को और CO एजुकेशन को और जो DO कंसर्न्ड है उनको भिजवा दी थी। These were the legal proceedings जो कि हमारी मॉनिटरिंग यानी जो तरीकेकार था वो आपने फॉलो किया, सुमेरा अमरीन साहिबा, जो एग्जैक्ट तरीकेकार था वो हम लेते हैं। सही, बहुत शुक्रिया साहब मौजूद थे, आपने अपना यहाँ पर नया दिन के प्लेटफॉर्म पर पेश किया और हम इस दौरान मुसलसल कोशिश करते रहे कि ताहिर महमूद आसिफ साहब से भी रब्ता करें और उनका मौकफ भी जाने, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद ये मामला उठा और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इस इंसिडेंट को, लेकिन क्योंकि ये मौकफ जानना बहुत ज़रूरी था कि अगर ये मामला ऐसा हुआ है, अगर एक्शन लिया गया है तो वो एक्शन क्यों लिया गया है, तो उसके सारी डिटेल्स हमें सुमेरा साहब ने दी हैं कि उन्होंने लॉग बुक भी फिल की थी और जो लीगल प्रोसीजर होता है, जो एक ड्यू प्रोसीजर होता है उसको उन्होंने फॉलो किया था। और हम क्विकली ब्रेक लेते हैं क्योंकि अगले मौजूद आपको देने, आपको बताना है, अपडेट करना है। वेलकम बैक। कराची में निगलेरिया फैल गया है। जिना अस्पताल कराची में जेरे इलाज निगलेरिया का मरीज दम तोड़ गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक औरंगी टाउन के 21 साला अनीस को तेज़ बुखार की हालत में अस्पताल लाया गया था। ये रवां साल का पहला निगलेरिया केस है। मैं तस्दीक कर दूं, अनस नाम है उसका जो लाया गया और ये पहला केस है। पहला केस। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शहरियों को अब खबरदार किया है कि शहरी दोबारा निगलेरिया का शिकार हो सकते हैं, मोहतात रहें, होशियार। निगलेरिया पानी में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होता है और निगलेरिया एक ऐसा अमीबा है जो अगर नाक के जरिए दिमाग में दाखिल हो जाए तो दिमाग को पूरी तरह चाट जाता है, ख़त्म कर देता है और इसीलिए इंसान की मौत वाकई हो जाती है। ये सब कुछ बहुत तकलीफ़ से होता है। उमूमन गर्म पानी में तेज़ी से ये परवरिश पाता है और स्विमिंग पूल्स, तालाब समेत टैंक्स में मौजूद ऐसे पानी में ये पैदा हो जाता है जिसमें क्लोरीन की मकदार कम होती है। याद रखिए, क्लोरीन की मकदार कम हो तो ये जरासीम आ जाता है, तो नगलेरिया आ जाता है। शदीद गर्मी भी नगलेरिया की अफजाइश का सबब बनती है। एक शहरी की जान ऐसे ही गई है। इस सब पर हम बात करेंगे सर्वर निगलेरिया सेंध यूनिट डॉक्टर जफर मैदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, निगलेरिया का इस साल का पहला केस सामने आया, तो बचने के क्या हिफाजती तरीके हैं और क्या इकदाम किए जा सकते हैं इस सिलसिले में?
देखें जी, सबसे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि एक तो ये जिम्मेदारी बनती है हमारे कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की, और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा जो MD साहब हैं असदुल्ला खान साहब, बहुत अच्छे, मैं भी उनके साथ काम कर चुका हूँ, बल्कि इस दफ़ा भी करेंगे उनके साथ काम, बहुत अच्छे माशाल्लाह से मैनेजर हैं अपने डिपार्टमेंट के और कामों को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी सरबराही में कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इस दफ़ा जो है क्लोरिनेशन के अमल को बेहतर जारी रखेगा। लोगों से हमारी ये दरख्वास्त है, लोगों को अवेयरनेस हम देना चाहेंगे वो इस हवाले से कि वो भी अपने टैंक्स, देखें गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जो हालात हमारे पाइपलाइंस के हैं, बहुत पुरानी लाइंस हैं हमारी वाटर की, उसके अंदर बहुत से रप्चर्स हैं और बहुत सी जगहों से वो कंटेमिनेशन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हम शहरियों से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने तौर पर भी इस चीज़ का सद्देबाप करें कि वो अपने वाटर टैंक्स कम से कम साल में 2 दफ़ा तो साफ़ करवाएं, और अगर नहीं तो ये कम से कम गर्मियों में तो लाजमी वो अपने वाटर टैंक्स साफ़ करवाएँ, जो ओवरहेड टैंक्स हैं वो भी साफ़ कराएं, जो अंडर टैंक्स हैं वो भी साफ़ करवाएं, और बाकायदा उसके अंदर क्लोरिनेशन का अमल जो है वो जारी रखें। बाज़ार में क्लोरीन टैबलेट्स मौजूद हैं, इसके अलावा जो हमारे टाउन हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके ऑफिसेस से मुफ्त जो हैं टैबलेट्स मिलती हैं टैंक में डालने के लिए, उसके ऊपर बाकायदा उसकी तादाद लिखी होती है कि कितने पानी में कितनी आपने टैबलेट्स डालनी हैं, और वो आपको बताएंगे भी, वहाँ पर एक काउंटर भी बना होता है, बाकायदा वहाँ पर बैनर्स भी हैं, पम्फलेट भी बांटे जाते हैं, मस्जिदों से ऐलान भी किया जाता है, तो आगाही तो हम दे रहे हैं लेकिन लोगों को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमारे साथ थे और हमें समझा रहे थे कि नेगलेरिया से अगर बचना है तो क्या क्या करना होगा। और अब कर लेते हैं अर्थ डे की, एक दिन जमीन के लिए नहीं बल्कि जमीन का हक। आज दुनिया भर में यौम अर्ज या जमीन का दिन मनाया जा रहा है। जमीन एक माँ है जो न सिर्फ इंसान बल्कि जानदार को, हर जानदार को अपनी गोद में संभाल कर रखती है, समेट कर रखती है। इस दिन को मनाने का मकसद माहौलियाती तहफ्फुज़ का शऊर उजागर करना है। ज़मीन को महफूज बनाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए, फ़जाई आलूदगी से पाक किया जाए, इसी सब की बात की गई जहाँ मोहम्मद शुएब पहुँचे वहाँ। जमीन हमारा मुस्तकबिल, हरी भरी होगी जमीन तो मुस्तकबिल भी होगा हरा भरा। जमीन के किसी टुकड़े का भी इंतखाब कीजिए, अपने हिस्से का काम कीजिए, यानी वहां पर प्लांटेशन कीजिए, सिर्फ एक साल उसकी केयर करें, क्या आप जानते हैं कि वो कैसा हो जाएगा? आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं। बिल्कुल ऐसे, एक साल पहले ये पौधे लगाए गए थे और थोड़ी सी केयर की थी, और अब ये पौधे अपनी मदद आपके तहत ग्रो कर रहे हैं, अब इनको केयर की उतनी जरूरत नहीं है। तो आपने सीखना है इससे कि लगाने हैं पौधे, थोड़ी सी केयर करनी है तो पौधे अपने आप जंगल बन जाएंगे, और फिर कराची जहां बहुत गर्मी है, जहां ग्रीनरी नहीं है, जहां कॉन्क्रीट का जंगल है, वहां पर ऐसे अर्बन फॉरेस्ट होंगे हर गली, हर नुक्कड़, हर चौक, हर चौराहे पर। सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, एक पौधा नहीं पौधे लगाने हैं, बेशुमार लगाने, जितने लगा सकते हैं उतने लगाने हैं। वी हैव अदील हुसैन, उनसे बात करेंगे। अदील, पहले तो ये बताएं, हम पौधे तो लगाते हैं कराची में लेकिन पौधों की केयर नहीं कर पाते, उस हवाले से क्या कहेंगे? आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद हमारे ज़बरदस्त कॉलीग्स के इंट्रोडक्शन पे, उनके कहने पे इस प्रोजेक्ट से फेमिलियर हुआ हूँ। ऑफकोर्स आई एम अ कराचीआइट, पौधों की ज़रूरत और उनका ख्याल रखना यही एक बहुत अहम चीज़ है। So the urban forest and the people involved have taken a great initiative. So बड़ी मज़े की चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं कि कौन से पौधे एक साथ लगाए जाते हैं, किस तरह वो एक दूसरे की मदद करते हैं, किस तरह फिर रिजल्ट एक साल में आपको एक sort of self-sustaining mini forest मिल रहा है जिससे कराची ज़्यादा green हो सकता है। So मैं खुद सीख रहा हूँ कि ख्याल कैसे करना है, but good news ये है कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा time निकाल के this can be done, this is our city, this helps all of us. So I really hope people take a lot of interest here because बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। thank you so much. और सबको कंट्रीब्यूट करना है, जो पौधा पसंद है आप लगाएं, क्योंकि आपने पौधा लगाना भी उसका ख्याल भी रखना, जिस तरह बच्चों का ख्याल रखते हैं इस तरह इन पौधों का ख्याल रखना है। नॉट जस्ट बींग कराचीआइट, बींग पाकिस्तानी, बींग ह्यूमन। आपने जो दरख्त लगाया उस पर किसी भी परिंदे ने आकर घोंसला बनाया तो ये है आपकी अचीवमेंट। कराची कॉन्क्रीट का जंगल, लेकिन इसको ग्रीन जंगल में
हम बदल सकते हैं। जमीन के टुकड़े का इंतखाब कीजिए और बहुत करीब करीब पौधे लगाते जाइए। एक पौधा नहीं, बेशुमार पौधे नहीं, तमाम जो स्पीशीज हैं उनको एक साथ लगाएं ताकि वो एक साथ उनकी नशोनुमा होती जाए, जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये मियावाकी टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है। इसमें पौधे करीब करीब लगाए जाते हैं, बहुत दूर दूर लगाए नहीं जाते। जो जमीन है यानी जो मिट्टी है, इसमें भूसा भी मिक्स किया हुआ है और साथ साथ खाद भी मिक्स की हुई है, जिसका इम्पैक्ट पौधों की ग्रोथ में बड़ा अच्छा आता है। तो आपने सिर्फ करना है ये कि जो जमीन का हिस्सा आपकी दस्तरस में है, आप वहां पर पौधा लगाइए, अपने हिस्से की शमा जलाइए। इट्स सो गुड टू सी कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त एक काविश है। तो हम कुछ बात भी करेंगे कुछ शुरका इस इवेंट पे, जब यहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट्री की बात हो रही है, वो मौजूद है। आपने वैसे कौन सा पौधा लगाया? मैंने अनार का लगाया, दैट्स माय फेवरेट फ्रूट। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या आप 5-6 साल आएंगे अनार को देखने के, अनार लग गया या नहीं? लिव कर रहा हूं, सो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। अगर पौधे लगाएंगे तो जिंदगी में सुख भी होगा, चैन भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये है सुख चैन का पौधा? इसका नाम ही सुख चैन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। और ये जमीन का जो एक्सेस सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसका इंपैक्ट इसके लीव्स पर आता है। तो जमीन के लिए सुख और चैन ये पौधा लाता है जो हमने लगाया भी है। तो साथ साथ पानी देना है, और पानी इसलिए देना है क्योंकि अगर हम अभी केयर नहीं करेंगे तो ये पौधा, इसकी नशोनुमा नहीं हो सके। तो सिर्फ पौधा लगाना नहीं है, उसकी केयर भी करनी है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे बच्चों की केयर करते हैं। और ना सिर्फ पौधा बल्कि ये जमीन, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, तो क्या हम सोच सकते हैं कि धरती माँ को गंदा करना है? नहीं सोच सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो गार्बेज इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस पर हमने बात करनी है कि किस तरीके से हमने अपनी जमीन को, अपने शहर को, अपने आसपास को गंदा नहीं करना। और अर्थ डे पर आज हम गार्बेज की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमने इंतखाब के अहमद शबर का, ही इज अ फिजिसिस्ट एंड अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो उनका ताल्लुक गार्बेज से कैसे हो गया, ये उन्हीं से जानेंगे। Well, as a physicist and a mechanical engineer, I've worked with organizations जिसमें मुझे waste के साथ भी काम करना पड़ा था। As a physicist, I've worked at a nuclear reactor, so like I've worked a little bit with nuclear waste. Or as an engineer, like while I was in the States, like I did a project with NASA once, जिसमें हमें ये proof करना था कि हम carbon dioxide हवा में से remove कर सकते हैं without there being any moving parts, which we successfully did, alhamdulillah. So environment or waste से हमेशा से ताल्लुक रहा था, और as a health physicist while at the nuclear reactor and at a hospital, I worked with meth and chemical waste as well. फिर पाकिस्तान वापस आए और यहाँ पे हमने देखा कि जी जो इश्यूज चल रहे हैं कराची में, कि कराची का जो ट्रैश क्राइसिस चल रहा था, उसमें फिक्सिट ने भी जो है कहते जन्म लिया था, और भी लोगों ने सफाई करने की कोशिश की थी। तो हमने भी कहा कि जी हम एक सस्टेन्ड मगर एक एफर्ट को शुरू करते हैं, तो जिस पे लाइक आई स्टार्ट माय ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड गार्बेज कैन सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग जो है अलग अलग जगहों की साफ सफाई। जरा बात कर लेते हैं ड्रग्स की, उसकी एडिक्शन की, मनुष्यात, इसका जहर दुनिया भर को या हमारे मुआशरे की बात कर लेते हैं आज, तो इसको दीमक की तरह चाट रहा है। कराची में रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाने वाला आस ट्रस्ट मनुष्यात की लानत का छुटकारा बन सकता है, और इसके लिए अगर ये कहा जाए वाकई उम्मीद की किरण है, आस है, तो गलत नहीं होगा। और इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रही हैं शहला मज़र, आप क्लिनिकल हेड हैं, आपके साथ हैं मोहम्मद अली रऊफ, आप एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं। तो सर स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं आप, इस वक्त कितने ऐसे एडिक्टेड पेशेंट्स हैं जिनकी थेरेपी हो रही है? हमारे पास एट द मोमेंट 180 पेशेंट्स होते हैं तकरीबन हर वक्त, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली वेटिंग लाइन भी होती है, तो हर वक्त हमारा फुल रहता है, तो 180 को हम एक साथ केटर कर रहे होते हैं। और सक्सेस रेट क्या है, कोई किसी ने शुरू किया मनुष्यात की लत में मुब्तला हो गया और फिर वो ठीक हो गया, ऐसा तो बड़ा मुश्किल नहीं है, कम ही होता होगा या शायद नहीं होता होगा? नहीं, होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। और आस, इसकी एक आस है कि होता है। हमारे पास जो हम कैलकुलेट करते हैं जो ग्लोबली है वो 20-30% के बीच में होता है लॉन्ग टर्म रिकवरी। शुरू में तो बंदा हमारे पास आता है, वो ठीक होता है, 3 महीने हमारे पास रहता है, नशे से पाक होता है, लेकिन जब वो माशरे में दोबारा जाता है, दोबारा वो प्रॉब्लम्स को फेस करता है और लॉन्ग टर्म में वो रिलैप्स हो जाता है। लेकिन अगेन उसका डेटा बताता है कि 30-40% हमारा रिकवरी रेट है, लोग ठीक रहते हैं 30-40%। शलभ, इसमें ख्वातीन और बच्चों की तादाद क्या है, इससे मुतालिक क्या फैक्ट्स आप शेयर कर सकेंगी?
ऐसा लगता था कि जैसा अभी फ़ीमेल्स का हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया है, और उसकी वजह भी यही थी कि ख़वातीन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं जो नशे का शिकार हैं। बच्चों के हवाले से मैं कहूँगी कि जितना भी ऑलमोस्ट स्ट्रीट चिल्ड्रन होगा, मतलब अगर आप कराची में भी देखो तो आपको बेशुमार बच्चा नज़र आ रहा होगा। सो जितना भी ऑलमोस्ट स्ट्रीट चिल्ड्रन है वो किसी न किसी तरीके से नशे की लानत में इन्वॉल्व हो ही जाता है, अगर खुद ना भी हो सूनर और लेटर हो जाता है। उसको कोई ना कोई माफिया, उसका पीयर ग्रुप कुछ भी उसको मनशियात में लगा देता है। तो ऑलमोस्ट जितना आपको स्ट्रीट पर मिलेगा वो आपको एडिक्शन के साथ। मुनफरद केस हमने सुना था कि एक 3 माह का बच्चा वो ड्रग एडिक्ट था, व्हाट वाज दैट? ओके, फीमेल यूनिट हमने जनवरी में अभी स्टार्ट किया, और उसमें जो फर्स्ट फीमेल हमारे पास आई टूल प्लाजा से, जो कि रोड पर रह रही थी ऑलमोस्ट 2 साल से, और उसके साथ उसकी 3 मंथ्स की बेबी थी, फीमेल बेबी, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा था कि 3 मंथ्स के बेबी को हम कैसा डिटॉक्स करेंगे, और जो उसकी मदर है वो मल्टीपल पॉली ड्रग्स के साथ थ्री मंथ्स आइस क्रिस्टल, उसको कुछ पता नहीं होता था कि उसको क्या ले रही है, क्योंकि वो ड्रग बेचती थी। तो क्या वो बच्चे को भी दे रही थी, वो 3 माह की बच्ची, उसको डायग्नोसिस कैसे हो पाया? ब्रेस्ट फीडिंग ओके, प्लस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो माँ ड्रग्स ले रही थी। ओके ओके, मतलब एट द टाइम जब उसने कंसीव किया है बेबी, सो वो बेबी उस एडिक्शन के साथ था। तो कैसे कैसे ट्रीट किया इस बच्ची को और दैट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट केस। इवन हम लोगों के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि अब हम उसको विड्रॉल सिम्टम्स जब स्टार्ट हुए तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तो जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर सिद्दीकी, उन्होंने आयरलैंड से बाकायदा रुजू किया, वहाँ से उन्होंने उसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस ली कि अब हमने इसको कैसे ट्रीट करना है, और ऑलमोस्ट 24/7 पूरी टीम अलर्ट रहती थी क्योंकि उसमें सडन डेथ का बहुत ज़्यादा चांस था। लेकिन जब वो बेबी रिकवर किया है और 3 मंथ्स के बाद हमने उसको री इंटीग्रेट किया है, इवन उसकी फैमिली को आइडेंटिफाई किया, और उसकी फैमिली के साथ हमने उन दोनों माँ बेटी को री इंटीग्रेट किया है। So, ये हमारे लिए एक सक्सेस है। Exactly. ये सक्सेस है। क्विकली मैं जानना चाहूँ कराची के अलावा भी सेंटर्स हैं आपके? जी, लाहौर में एक हमारा भी नया सेंटर खुला है। ओके, और किसी ने खुद कांटेक्ट करना हो आपसे, या आप खुद भी कुछ पिक करते हैं लोगों को, या लोग खुद कांटेक्ट करते हैं? दैट इज द ओनली वे। बच्चों के लिए तो हम अपनी टीम भेजते हैं रोडों पे, जाहिर है उनको इतना नहीं पता, हमारी टीम जाती है रोडों पे, मोटिवेट करती है, उनको दिखाती है कि जो भी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, और फिर वो मोटिवेट होकर हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कांटेक्ट करना चाहते तो हमारी वेबसाइट, ऑनलाइन, गूगल करें हमें, हम अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हैं। और आज को अब 18 साल हो गए, 18 साल से हम ये काम करें, तो हमारा एक, अब लोग हमें जानते भी हैं। अब 18 साल से, 18 साल से हम लोग, 2001 में ये शुरू हुआ था एडल्ट प्राइमरी यूनिट से, आज हम, अब हम इस लेवल पे आ गए कि हमने 18 साल के बाद एक प्राइवेट सेक्टर भी खोला है। लोगों को आस दिलाइए उन लोगों को कि जो इसको ट्रीट करना चाह रहे हैं अपने लिए, जो लोग आ रहे हैं वो रिहैब चाह रहे हैं अपने प्यारे के लिए, कि हाँ ड्रग्स छोड़कर जो कारोबारी ज़िंदगी है, रोज़मर्रा ज़िंदगी है, उसमें एक इंसान वापस आ सकता है। कुछ अगर आप बात इस सिलसिले में बता सकें हमें। जी जी बिल्कुल, ऐसे हज़ारों केसेज हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है ना, कि मैं भी इन चीज़ों से गुजरा एक ज़माने में। अच्छा जी, और फिर उसके बाद 9 साल पहले मैं इस चीज से निकला, और फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग हासिल की, मैं बाहर मुल्क गया, वहां से मैंने काउंसलिंग कोर्सेज किए, अब आया हूं मैं, और मैं सक्सेस स्टोरी विद अस। तो इस यहां तो बात ही हो जाती है खत्म, के अगर करना चाहें तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि वक्त बहुत कम था। हम आपसे कहेंगे खुदा हाफिज, मिलते हैं कल दोबारा।